गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो है मोनो और डाई हेलो व्युत्पन्नों के नामकरण जो है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने कुछ नाम आपको घर से करके लाने के लिए दिए थे। ठीक है, पता नहीं आप करके लाए नहीं करके लाए, है ना। जो करके लाए मैं चेक कर लूँगा, अभी आगे अपन चलते हैं वरना ज़बरदस्ती लेट होंगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डाई के बाद में। डाई के बाद में लिखो ट्राई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। मोनो के बाद में डाई हो गया था, डाई के बाद में नेक्स्ट लिखो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। हाँ, ट्राई हेलो व्युत्पन्न या ट्राई हेलो, अरे बात और लिख देते, हाँ व्युत्पन्न भी चाहो तो व्युत्पन्न लिख लो, चाहो तो एल्केन एरिन लिख लो, बात वही है। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कितने क्लोरीन होंगे या कितने हेलोजन होंगे, तीन। ठीक है, तीन वैलेंसीज पर तो होंगे हेलोजन और एक वैलेंसी से क्या जोड़ देंगे हम। ठीक है, ये जो है ट्राई हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसी तरीके से एक और अगर देखें तो इस तरीके से भी इसका नाम, इस तरीके से भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं तीन हेलोजन वाले, है ना। हम ये जो है दो एग्जांपल से ही समझेंगे। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, ट्राई क्लोरो मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। ठीक है, ट्राई मतलब तीन, तीन क्लोरीन है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है टोटल। ठीक है, इसका क्या होगा, वन टू थ्री। ठीक है, तीनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो तीनों की स्थिति दर्शाएंगे, वन टू थ्री। ठीक है, किधर से भी करो, इधर से करोगे तब भी वन टू थ्री आएगा, इधर से करोगे तब भी वन टू थ्री आएगा। ठीक है, वन टू थ्री ट्राई, तीन के लिए क्या शब्द यूज होता है, ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन मतलब प्रो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब तो प्रोपेन। आगे बात समझ में, ठीक है, उतार लो इन्हें, नहीं डायरेक्ट उतारो। ये ऊपर वाला जो है इसका सामान्य नाम भी चाहो तो लिख लेना, इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है ये क्लोरोफॉर्म, सुंघाने के काम आता है, और क्या होता है उसको सुंघाने से, बेहोश हो जाता है। वो होता है ना, वो तो ग्लिसरीन लगाते हैं आंखों में तो आंसू आने के लिए, एक्टर ग्लिसरीन। हाँ उतार लिया,
अगला लिखो टेट्राक्लोरो, सॉरी टेट्राहेलो व्युत्पन्न, टेट्राहेलो व्युत्पन्न, टेट्राहेलो व्युत्पन्न। ठीक है, क्या लिखोगे? टेट्राहेलो व्युत्पन्न। अब टेट्राहेलो व्युत्पन्न मतलब, टेट्रा मतलब कितने हेलोजन होंगे? चार। चार हेलोजन जहां पर भी जुड़े होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? टेट्राहेलो व्युत्पन्न। आगे बात समझ में? अब ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्या? हेलोजन होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, इसमें जो है क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, इसमें आयोडीन भी जुड़ा हुआ है, और इसमें फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में? लेकिन है कितने टोटल? चार। तो ये टेट्राहेलो व्युत्पन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं, उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, नाम क्या होगा? अब देखो, इसका नाम तो सिंपल सा है, टेट्रा क्लोरो, कितने कार्बन? एक है ना, मेथेन। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? अब देखो, इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि सब नंबरिंग किधर से करनी है। नंबरिंग करने के लिए हमें सीधी श्रृंखला तो सिंपल सी है कि इसे ही मानेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? नीचे से करेंगे तो F, ऊपर से करेंगे तो B। तो B पहले आता है, F आता है, B आता है, मतलब ऊपर से नंबरिंग करेंगे, मतलब एक, दो और तीन। ठीक है, अब इसका नाम देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? देखना, वन ब्रोमो, बीच में हाइफन लगाते हैं, ठीक है, टू क्लोरो, टू आइडो, ई एफ जी एच आई, हाँ, थ्री फ्लोरो, टू आइडो, कितने कार्बन? तीन, मतलब प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन। आगे बात समझ में? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? टेट्राहेलो व्युत्पन्न का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, उतारो। ये वाला नाम तो आ गया ना, ये अभी जो समझाया तो समझ में आ गया ना, वो तो समझ में तो वो नहीं आएंगे जो तुमको मतलब घर पे जाकर खुद से करने की कोशिश करोगे, वो नहीं आ रहे ना समझ में, तो उनका भी करेंगे इलाज। मैं किताब लाने के लिए मैंने कल बोला था तुम लोगों से, किताब कौन कौन लेकर आया तुम में से, चारों में से? जी, दसवीं की, ग्यारहवीं की लाए हो, दसवीं की? ठीक है, तेरे से क्यों, तेरे को तो आता ना नाम देना, तेरे पढ़ी है तो कोई बात नहीं, उसको रख, है ना। तुम्हारे बारहवीं में एनसीईआरटी की तो है, अपने भारत में सबसे ज़्यादा मान्य जो किताब होती है ना, एनसीईआरटी की बुक होती है। जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो नीट, आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं इंडिया लेवल के, उन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। एसएससी, जितनी भी मतलब जो सेंट्रल की वैकेंसीज होती है ना, उन सब में एनसीईआरटी किताब की जो बुक होती है उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जो तुम्हारे सिलेबस की जो किताबें हैं ना, तो स्पेशली ट्वेल्थ की, उनको संभाल कर रखना। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले तो वो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता है, मतलब दे सकता है। हटूँ है, हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है, लेकिन उसे उन किताबों को घोल के पीना है, मतलब घोल के पीने का मतलब कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं।
हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन से। उतार लिया, अगला लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मोनो हेलो एल्केन को, मोनो हेलो एल्केन को, मोनो हेलो एल्केन को कार्बन की प्रकृति के आधार पर, मोनो हेलो एल्केन को कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक या 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक या 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री के आधार पर, के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है, के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखना, हमने मोनो ही क्यों लिखा, हमने एक ही हेलोजन वाले क्यों लिखे, हमने 2 हेलोजन वाले क्यों नहीं लिखे या फिर 3 हेलोजन वाले क्यों नहीं लिखे। देखना, कभी भी किसी कार्बन का अगर हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री डिसाइड करना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कार्बन को देखते हैं जिससे क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। देखो, सपोज करो ये कोई यौगिक है, R का मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, CH2, CH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं R का मतलब, ठीक है। लेकिन हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किससे जो है देखेंगे, हम देखेंगे उस कार्बन से जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, किससे देखेंगे, जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कैसे देखेंगे, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जितने कार्बन जुड़े होंगे उतने ही हम डिग्री बोल देंगे। अगर एक कार्बन जुड़ा होगा इससे डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होगा तो हम 1 डिग्री, डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े होंगे तो 2 डिग्री, डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री। आगे बात समझ में। अब मैंने मोनो ही क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन ये है, सपोज करो मैं डाई लूं, डाई मतलब 2 हेलोजन जोड़े, 2 हेलोजन जोड़ूंगा तो फिर ये 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, नहीं है ना जगह। इसी तरीके से अगर मैं ट्राई लूं तो ट्राई में क्या हो जाएगा, फिर 1 डिग्री बनाएगा बस, कि उसके पास जगह ही नहीं ना, कार्बन जुड़ेगा कैसे। और हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कार्बन तो जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमने हेलोजन जोड़ दिए। आए मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरीके से जो है हमने इसमें मोनो हैलाइड इसलिए लिखा, ठीक है। अब कैसे देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, इससे R जुड़ा हुआ है, R का मतलब जो है ये R है, इस R का मतलब जो है CH3 भी हो सकता है, इस R का मतलब जो है C2H5 भी हो सकता है, इस R का मतलब जो है CH2, CH3 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस R का मतलब। आ गए मेरी बात समझ में। अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसके पास इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, दो तो नहीं हो सकते ना, एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, अरे बोलो, 1 डिग्री का या प्राथमिक होगा। आगे बात समझ में।
इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दूसरा एग्जाम्पल जैसे चार वैलेंसी थी, एक से तो पहले से जुड़ा हुआ था, ठीक है, एक से दूसरा और आकर जुड़ गया, मैंने दोनों में अंतर करने के लिए क्या किया, इसको तो नॉर्मल आर लिखा और इसको आर डैश लिखा, ठीक है, दोनों में अंतर करने के लिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हेलोजन, हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आर की जगह पर अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ पर CH3 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर C2H5 भी लिख सकता हूँ, C2H5 मतलब क्या होगा, CH2CH3, C2H5 का मतलब क्या होता है, CH2CH3, देखो C2 एक दो, C2 हो गए, H5 दो और तीन पाँच, ठीक है, तो वही होता है। अब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह यहाँ पर जो है ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, यहाँ आगे कितनी भी बड़ी श्रृंखला उस पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करेगा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, ये आगे तो कितने भी कार्बन से जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, ये वाला डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और दो, ये आगे चाहे कितने भी लंबे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे मेरी बात समझ में, तो ये क्या कहलाएगा, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री, आगे बात समझ में। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, सपोज करो, ठीक है, ये एक था ये दूसरा था, उसी को मैंने खोलकर लिखा था, ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, डबल डैश कर दिया इसको, आगे बात समझ में, और यहां पर क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया, ठीक है, अब कितने कार्बन है, एक दो तीन, हर आर का मतलब जो है कार्बनिक श्रृंखला थी और उसमें कार्बन होंगे, तो इस वाले कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक दो और तो कितने डिग्री हो गया, अरे बोलो, आगे बात समझ में आ गया, समझ में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आ गया, दो एग्जाम्पल दो मेरे को बताना कौन सा कितने डिग्री है, ठीक है, हाँ बताओ ये वाला, अब इसमें से कौन सा वाला देखेंगे सबसे पहले, तो जिससे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, अब हेलोजन कौन से वाले से जुड़ा हुआ है, अब बताओ ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, हाँ बोल 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 बोल, हाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री कैसे है, एक कार्बन जुड़ रहा है और इधर वाला जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, जुड़ कार्बन रहा है, हाइड्रोजन को अगर मैं खोलकर लिखूंगा तो हाइड्रोजन को तो मैं नीचे नीचे की तरफ लिखूंगा ना, जब भी अपन खोल के लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, जुड़ किससे रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री, ठीक है, आगे समझ में, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब 3 डिग्री है, कौन सा वाला, हाँ अब यहाँ पर जो है दो कार्बन ऐसे हैं जिनको हम जिनकी हमको डिग्री निकालनी है, सबसे पहला कार्बन है ये और दूसरा कार्बन है, दिख रहा है हेलोजन, ठीक है, तो पहले वाले की अगर हम निकाले तो पहले वाले से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, मतलब ये वाला कार्बन कितने डिग्री वाला है, ठीक है, ये वाला कार्बन एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, तेरे नहीं आया, स्टेबल तो ये होगा ना, कार्बोकेटाइन, अच्छा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ समझ में नहीं आया, तेरे आ गया, देख सबसे पहले ये देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता क्या है, किसी भी हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जितने कार्बन जुड़े होंगे डायरेक्ट, उससे
जितने कार्बन क्या होंगे डायरेक्ट जुड़े होंगे, श्रृंखला के रूप में कितने भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट कितने जुड़े हुए, डायरेक्ट जितने कार्बन जुड़े होंगे उतना ही डिग्री वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे एक तो सी एल जुड़ रहा है और एक सी एच थ्री जुड़ रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आ गया समझ में, ये तो समझ में आया नहीं आया, ये आ गया। अगला देखो, इस वाले को देखो, ये कार्बन इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ रहा हाइड्रोजन है, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ रहा, ये बीच में इनके बीच में दीवार है, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। अब इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, इस वाले कार्बन से एक दो, मतलब ये कितना हो जाएगा, आया। नेक्स्ट इस वाले को देखो, अब हम कार्बन की जगह पर आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर का मतलब भी क्या होता है कि कोई कार्बन की श्रृंखला है। अब कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, लेकिन हम कितना कार्बन मानते हैं कि कितना जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु, इसके पास वाला कार्बन यही है, तो इसी के लिए निकालेंगे कितने कार्बन है, एक दो तीन, मतलब टोटल कितने हो गए, आया यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर देखो, अपन ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी डिग्री निकालनी है। तो ऊपर वाले में तो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से, इसी की निकालेंगे, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन, तो टोटल कितना हो गया, कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, टोटल तीन का जुड़ रहे, दो ही तो हैं, एक एक और ये, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो ही तो है ना, तो कितना हो गया, ये सी एच आ गया, ये ले तू, तो ये ले, गलत से लिख दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ भी आ सकता है, अरे समझ में आ गया। अगला वाला देखो, अब इसमें जो है कि हमको डिग्री निकालनी है, तो हम उन कार्बन को देखेंगे जिससे हेलोजन जुड़े हो, ऐसे कितने कार्बन है, एक और एक दो, ठीक है। तो इस वाले को अगर मैं पहले देखूं, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, तो कितना डिग्री हो गया, ठीक है। इससे कितने जुड़े हुए हैं, इधर तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, इधर ऊपर और नीचे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन कितना जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, वन डिग्री, आ गया समझ में। आगे चले, लिखो, हमने लिखा कि निम्न तीन के आधार पर निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है। लिखो, पहला लिखना प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक एल्किल ऑब्लिक एरिल, प्राथमिक एल्किल ऑब्लिक एरिल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल ऑब्लिक एरिल हैलाइड, ठीक है। क्या लिखोगे, प्राथमिक एल्किल ऑब्लिक एरिल हैलाइड, ठीक है। एल्किल और एरिल दोनों क्यों साथ में लिखे, दोनों इसलिए हमने साथ में लिखे कि ये सीधी श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं और ये गोलाकार या फिर वले वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा हमने, प्राथमिक मतलब कितने डिग्री वाला, ठीक है, चाहो तो कोष्ठक में लिखना वन डिग्री, आ गया समझ में, लिखो इसमें। ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन या वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन या वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हो,
जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन या 1° कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक एल्किल हेलाइड या प्राथमिक एरिल हेलाइड कहलाते हैं। प्राथमिक एल्किल हेलाइड या प्राथमिक एरिल हेलाइड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या लिखा है? या प्राथमिक एरिल हेलाइड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा? कि भैया जिससे हेलोजन जुड़ा होगा वो कार्बन या तो कैसा होगा, 1° वाला, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्राथमिक एल्किल हेलाइड कह देंगे। एरिल हेलाइड का सीन ऐसा है कि उसमें फिक्स होगा कि हमेशा कौन सा होगा, 2° वाला ही होगा। क्या होगा? हमेशा 2° वाला ही होगा। 3° वाला भी बन सकता है, लेकिन 1° वाला वहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल करके अगर मैं लिखूं तो एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा? CH3, CH2, CH2 और Cl। 2 या 3? हाँ, लेकिन हम जो है देखेंगे तो सबके लिए उसके लिए लाइन लिख देंगे कि हमेशा कभी भी 1° एरिल हेलाइड नहीं बनाता, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ना मजबूरी है ना। अपने तो एल्किल भी के साथ में एरिल हेलाइड भी तो है। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत है नहीं, उतार लो और नाम भी दो। अरे 1° वाले तो है ना सारे ही? ऊपर वाला पक्का 1° वाला है, देखो गौर से, कह रहे तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से कितने Cl से कितने कार्बन, Cl वाले कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? तीनों जुड़ रहे हैं ना। डायरेक्ट कितना जुड़ा हुआ है? सीधा एक ही है ना, मतलब 1° सीधा तो एक ही जुड़ रहा है। हमने सीधा लिखा, सीधे शब्द बोला था मैंने बार बार कि सीधा जुड़ना चाहिए। नाम क्या होंगे? ठीक है, 1-chloropropane या फिर क्लोरोप्रोपेन, और 1-chloroethane या फिर क्लोरोएथेन। आगे बात समझ में? अच्छा, मैं इसमें इसको लिख सकता हूं, ये एग्जाम्पल हो सकता है नहीं हो सकता, ये एग्जाम्पल हो सकता है नहीं हो सकता इसका? ये वाला एग्जाम्पल अपन जो पढ़ रहे हैं 1° वाले का, उसका हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पक्का सोच लो। सेफ क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो हाँ, 1° नहीं है इसलिए एग्जाम्पल भी नहीं है। ठीक है, इसके अपन जिसको पढ़ रहे हैं उसके लिए शर्त क्या है? 1° होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा है? कार्बन किससे जुड़ रहा है? एक सेकेंड, हाँ हाँ, अब बता कौन सा कार्बन जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा ना, अगला हेडिंग डालो। अरे इसमें एक लाइन लिखना, एरिल एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड 2° एरिल हेलाइड, सॉरी 1° एरिल हेलाइड 1° हेलोजन का निर्माण नहीं करते हैं। 1° हेलाइड का, हाँ 1° हेलाइड का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, 1° हेलाइड का निर्माण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर वो 1° का करेंगे तो फिर श्रृंखला का निर्माण ही नहीं होगा। आपस में जुड़ने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए, 2 जुड़ेंगे तभी तो श्रृंखला बनेगी। अगर एक ही जुड़ेगा तो श्रृंखला बनेगी ही नहीं, तो वो
नहीं बना सकते। दूसरा हेडिंग डालो द्वितीयक एल्किल हैलाइड या फिर द्वितीयक एरिल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या फिर द्वितीयक एरिल हैलाइड। द्वितीयक एरिल हैलाइड या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। एग्जाम्पल क्या होगा देखना, ठीक है। किसमें? हाँ लिखो इसमें ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? लिख लो। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो एक बार देख लेते हैं हमने जो लिखा है वो सही भी है या एक तो अपने गलत लिख दिया हो। ठीक है, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। सबने लिख लिया? पहले सब लिखो जल्दी से, जिसको जो भी लिखना था लिख लो कंप्लीट। लिख लिया सबने? जल्दी लिखना फिर है। हाँ खड़ा। इसमें बताइए कितने डिग्री है, कार्बन कितने डिग्री है? खड़ा हो, खड़ा। दो कार्बन किससे? मेरे को ये बता ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल है या नहीं है, क्यों है? दो कार्बन जुड़े ना, ये CN क्लोराइड से जुड़ रहा है हेलोजन, उसके ऊपर मतलब जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? दो कार्बन। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये द्वितीयक हैलाइड हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया, हो गया? नाम बता। खड़ा होते से बैठने कौन कह रहा है, मेहंदी लग रही है पैरों में तेरे? हाँ नाम बता। टू क्लोरो प्रोपेन, सही है? अरे बोलो ना। सही है। हाँ आतिफ पढ़ाओ बता। पक्का 2 डिग्री है? सोच ले, 2 डिग्री है क्या? नहीं है ना, देख मना कर रहा हूँ। कैसे है 2 डिग्री बता मेरे को, पहले बता इनमें से कौन से वाले कार्बन को देखेंगे? ये सीधा हैलोजन CH2, कौन कौन से देखेंगे? ये CH2 और CH2। अरे मेन कौन से वाले कार्बन को देखेंगे? CH। कौन सा वाला है CH इनमें? ये अब ये 2 डिग्री है या नहीं ये कैसे पता चला लगाएगा? सीधा डायरेक्ट देखेंगे ना। हाँ तो डायरेक्ट ये वाला जुड़ा हुआ है। और ये नहीं जुड़ रहा पक्का? ये नहीं जुड़ रहा ना, तो मतलब कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक और? अरे बोलो ना। दो। तो कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नाम बता। 3 क्लोरो
स्पेंड पेंटेन, सही है क्या? सही है बेट जी, महाशय खड़े होइए। तेरे से कौन कह रहा, तेरे को बड़ा वो आ रहा शोक, खड़ा जल्दी से, नंबर सबका आएगा। हाँ बता, पहले बता कौन से वाले कार्बन को देखेंगे, ऊपर वाले को? क्यों, क्या इसमें भी जुड़ रहा है, 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 उसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है उसमें? इस वजह से इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये बता 2 डिग्री है या नहीं है? हाँ? लग नहीं रहा ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती गलत एग्जांपल लिख दिया मैंने, मैं भी यही सोच रहा था। जल्दी बोल, नहीं है ना? हाँ मेरे बात सुन, ये वाला कार्बन देखेंगे, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये वाला कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है पक्का। एक कार्बन हो गया, इधर की तरफ देख, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन हो गए? बाकी और कोई सा कार्बन जुड़ रहा है क्या उससे सीधे डायरेक्ट? दो ही तो जुड़ रहे ना, मतलब 2 डिग्री हुआ, नहीं हुआ 2 डिग्री? फिर हो गया ना, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया तो ये बता, आ गया ना समझ में? नाम क्या होगा इसका? अरे उसने दे दिया, उसने दे दिया, तू भी दे देना। हाँ बोल बोल बोल, कुछ बोल। सर मैं उनके बराबर थोड़ी ना हूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर देना। तो जो भी है गलत है देगा, कोई बात नहीं, मारूंगा थोड़ी ना मैं तेरे को कि तू गलत क्यों दे रहा है, कोई बात नहीं गलत ही दे तू, बता देना जो नाम। मैं तो तेरे से पूछूंगा, मैंने तेरे को खड़ा कर रखा है, किसी और से क्यों पूछूं? जैसा भी तेरे को समझ में आ रहा है वैसा दे दे। ए कुछ तो बता, तू तो यहाँ पे NR वाले लिखवा दे मेरे को, लेकिन कुछ तो लिखवा तू आज, मैं मानूंगा ही नहीं जब तक तू मेरे को कुछ नहीं लिखवा। जल्दी बता, थोड़ा सा दिमाग तो लगा, थोड़ा सा। ए वकील है उसका, रख रखाओ तेरे को पैसों में कि मेयर को नहीं आया तो तू बताएगा, तेरी जिम्मेदारी है, 5,000 रुपये मैं ना दूंगा तेरे को। हाँ बता, ए कुछ कुछ भी कुछ, मेरे को ये बता कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, एक रिंग के रूप में है, और 6 कार्बन वाली जो रिंग होती है वो क्या कहलाती है? अरे बोलो, 6 कार्बन वाली रिंग क्या कहलाती है? बेंजीन। तो रिंग का नाम तो आ गया हमारे पास, क्या आ गई बात समझ में? अब क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। कहीं से भी गिनती गिनो, बात वही है, जहां से जुड़ा वही उसी को एक नंबर मानते हैं, और एक नंबर को हम लिखते नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अब क्या दिक्कत थी इसमें? था क्या कुछ ऐसा हार्ड हार्ड सा? फिर समझ में आ गया सबके? आगे चले बैठ, नेक्स्ट लिखो। हाँ उतारो, जिसने नहीं उतारे वो जल्दी उतारो, जिसने उतार लिए वो अगला लिखना। तृतीयक एल्किल हैलाइड या फिर तृतीयक एरिल हैलाइड, लिख सकता है, लिख ले, क्या दिक्कत है?
तृतीयक एल्किल हेलाइड या फिर तृतीयक एरिल हेलाइड? लिखा चले, देखो लिखो तृतीयक एल्किल हेलाइड या फिर तृतीयक एरिल हेलाइड लिखो। ऐसे ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु जिनमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक हेलोजन व्युत्पन्न, हाँ तृतीयक एल्किल व्युत्पन्न या तृतीयक एरिल व्युत्पन्न या फिर ठीक है कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, अब देखना तृतीयक मतलब ऐसा कार्बन जिससे कितने कार्बन जुड़े हुए हों, 3 कार्बन जुड़े हुए हों, हाँ ठीक है पूछूं, ठीक है अब उल्टा पूछता हूँ मैं, ठीक है या सीधा पूछूं? चलो सीधा पूछता हूँ, जी बताओ पहले 3 डिग्री है या नहीं है? क्यों एग्जाम्पल गलत लिखा मैंने? हैं पक्का सोच ले, अभी तक तो एक भी गलत नहीं लिखा था, तू भी तो गलत हो सकता है, बोलना उसका आइडिया देख रहा है। दो ही कार्बन है, एक दो तीन, तीन जुड़ रहे हैं तो कह रहा है दो जुड़ रहे हैं, दो ही जुड़ रहे हैं पक्का सही है। ये तो 2 डिग्री का एग्जाम्पल है तो ये गलत है, हाँ तू लिख लिया तो काट लेना, 3 डिग्री में 2 डिग्री कैसे लिख लेगा तू, मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे समझाना है कि ऐसा अगर आ जाएगा तो वो गलती होगा, इसलिए मैंने लिखा, मुझे कटवाना ही है वो इसलिए लिखवाया मैंने, आ गई बात समझ में? हाँ ये वाला बता पक्का कैसे, इस वाले कार्बन से डायरेक्ट 3 जुड़ रहे हैं मतलब ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है नाम क्या होगा? 3 क्लोरो नाम नियावे मेरे को नाम नियावे मेरे को अच्छा 3 क्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन, अच्छा 3 क्लोरोमेथेन, क्या 3 नहीं आएगा है? ये लिखा है, ये ही नाम होगा है?
बोलना सुन मेरी बात सुन, अरे ए खड़ा मेरी बात सुन, नाम कैसे देंगे हम? ऐसी श्रृंखला लेंगे जो सीधी हो। अब यहाँ पर जो है हम इसको ले सकते हैं, ले सकते हैं, ऊपर वाले को हम जो है अलग से लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे तब भी एक बाहर निकलेगा, इसको लेंगे तब भी एक बाहर निकलेगा, एक तो बाहर निकलेगा, ठीक है। जो बाहर निकला वो कौन सा समूह है? मेथिल, एक कार्बन वाला है ना, मेथेन लिखते हैं, लेकिन वो बाहर निकल रहा है इस वजह से उसको मेथेन ना बोलकर क्या बोलेंगे? मेथिल। जो बाहर निकलता है ना उसको एन की जगह पर इल जोड़ देते हैं उसके साथ, क्या जोड़ देते हैं? तो क्या हो गया? मेथिल, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से पास पड़े तो मैं किधर से भी कर लूं, बात एक ही है, दूसरे कार्बन पर ही है हमेशा ही, ठीक है। अब नाम देंगे तो पहले अल्फाबेट क्रम देखेंगे, ये किससे स्टार्ट होता है? ये मेथिल है ना, एम से स्टार्ट होगा, तो हम किससे लेंगे? सी वाले को लेंगे, तो क्या हो जाएगा? टू क्लोरो, सही है। फिर टू मेथिल, सही है। फिर कितने कार्बन है? सबका नाम दे दिया ना, तो खाली नाम ही देना है, कितने कार्बन है टोटल? तीन, मतलब प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब, तो नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, आ गया समझ में? बैठ, तू बैठा अभी तेरे भी समझाऊंगा, रुक जा। जी आप ही खड़े होइए। वन डिग्री का एग्जाम्पल है, पक्का सोच ले, बोले गलत है ना, ये उतारो, ये भी वन डिग्री का ही एग्जाम्पल है, मतलब एरिल वाले यौगिक क्या नहीं बनाते? थ्री डिग्री वाले व्युत्पन्न का निर्माण नहीं करते हैं। अगर हम थ्री डिग्री का निर्माण करने जाएंगे तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा फिर वो एरिल समूह नहीं रहेगा, वो बेंजीन नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? इस वाले कार्बन पर हाँ जोड़ देगा, लेकिन वो फिर फेनिल वाला थोड़ी ना रहेगा, वो तो उस कार्बन से जुड़ रहा है, बेंजीन वाले कार्बन से थोड़ी ना जुड़ रहा है वो, तो इसीलिए तो गलत है ना। अरे नहीं, वन डिग्री भी तो इससे बन रहा है, उस हाँ। ऊपर वाले कार्बन से, अगर उस पे दो सी और जोड़ दें। लेकिन हम पढ़ किसका रहे हैं, इसका एग्जांपल का मतलब क्या है? एरिल वाले या फेनिल वाले, मतलब फेनिल वाले या वो क्या बोलते हैं उसको, एल्किल वाले, एरिल वाले है ना, तो एरिल तो यहीं खत्म हो गया ना, वो तो ऊपर तो किसी से भी जुड़ा रहे, वो तो एल्किल में आ जाएगा, फिर एरिल में थोड़ी ना रहेगा वो। आ गई बात समझ में? ठीक है, उतार लिए, समझ में आ गया। ये वाला समझाऊं? टू मेथिल नहीं आया, मेरी बात सुन, मैं अगर तीन कार ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन ले सकता हूँ? मैं इस तरीके से लूँगा तब भी तीन कार्बन आएंगे, ये वाला बाहर निकलेगा, इसको मानूंगा तब भी तीन कार्बन आएंगे, ये वाला बाहर निकलेगा, मैं कैसे भी करूँ एक कार्बन बाहर निकलेगा, तो मैंने इस वाले को बाहर निकाल दिया है ना, नीचे क्लोरीन है ही सही। अब इसको बाहर निकाला, ये मेथिल मेथेन समूह है, लेकिन बाहर निकलते ही मेथेन की जगह पर इसको क्या बोलूंगा मैं? मेथिल, जिससे पता तो चले कि ये बाहर निकला हुआ है ना। अगर मैं मेथेन बोल दूंगा तो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या रहेगा? तो मेथिल इसलिए बोला कि दोनों में अंतर रहे कि इसको जो है मेथिल बोलना है, मतलब ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ना लेने देना यार, काय को परेशान हो रहा है तू, पता है तेरे को सब आता है। हाँ अगला लिखो, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री खत्म हो गया, अब लिखेंगे एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड,
एलिलिक हैलाइड जी, ठीक है, एलिलिक हैलाइड यहां से अपन जो है कल पढ़ेंगे, आगे बात समझ में, इसके आगे का हम जो है कब स्टार्ट करेंगे, कल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, घर पे पढ़ाई करना और इनके एग्जाम्पल के हर एक के पांच पांच जो है एग्जाम्पल लिख के लेकर आना, कल के मैं चेक करूँगा, कल सारे एक साथ चेक कर लूँगा मैं। हैं? क्यों मेरी टेंशन है, मैं कैसे चेक करूँगा?